छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन आयोग के नाम पर वाटरमैन स्वीपर पद के फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले को समझने में जुटी है। आरोपी दीपक कुमार के नाम से करीब 15 बैंक खाते समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। तमिलनाडु, यूपी और हरियाणा समेत करीब 8 राज्यों में बेरोजगारों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। 8 राज्यों की पुलिस आरोपी को तलाश रही थी। एसएसपी आरिफ शेख ने बताया कि पंडरी थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया था कि वाटरमैन और स्वीपर पद पर नियुक्ति दिलवाने के नाम पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। इस नियुक्ति पत्र में भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग के पुराने लोगों का प्रयोग किया गया है, साथ ही उक्त संस्थान का नाम भी इस कार्यालय से मिलता जुलता है। कॉल कर जब इस बारे में उन्होंने पूछा तो बैंक में 12,500 और 30,238 जमा करने के बारे में कहा गया, जिसके बाद उसने राशि जमा भी की। इसके बाद मिले नियुक्ति पत्र लेकर जब पहुंचा तब पता चला कि वह फर्जी हैं। इसके बाद इस मामले की शिकायत की गई। मोबाइल नंबर के तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि आरोपी दिल्ली के करोल बाग में मौजूद है, जिसके बाद दिल्ली पहुंचकर पुलिस टीम ने आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।